जय भीम साथियों, सम्यक इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे कि बचपन से ही हमने देखा है कि भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं और जो तस्वीरें हैं उसमें भगवान बुद्ध के कान ज़्यादा लंबे दिखाई पड़ते हैं। और जनसाधारण के मन में भी यही बात रहती होगी कि भगवान बुद्ध के कान ज़्यादा बड़े क्यों हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे बोधाचार्य शांत स्वरूप बौद्ध जी के साथ। मैं स्वागत करता हूँ कि वे हमारा ज्ञान वर्धन करें। स्वागत है सम्यक इंडिया टीवी में। आपने जो सवाल किया है, वास्तव में हम भी बचपन से देखते सुनते आ रहे हैं, इस तरीके के सवाल जिज्ञासा का, कौतूहल का विषय रहे हैं। कान भगवान बुद्ध के बड़े होते थे, खाली इतना ही नहीं है बल्कि उनमें, उनके शरीर में 32 प्रकार के अनोखे लक्षण थे जिन्हें बौद्ध भाषा में महापुरुष लक्षण कहा जाता है और उनकी संख्या 32 है। उन्हीं में एक कान लंबा होता है, इसकी भी है। कान के बताने के लिए अच्छा रहेगा कि हम उन 32 महापुरुष लक्षण जिस क्रम में बौद्ध साहित्य में दर्ज हैं उसी क्रम में हम आपको बताएं। बुद्ध महापुरुष थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि एक सूत्र ऐसा आया है, भगवान बुद्ध से पूछा जाता है क्या आप गंधर्व हो, वो कहते नहीं। तो क्या आप देव हो, वो कहते नहीं। तो क्या आप यक्ष हो, कहते नहीं। तो फिर आप क्या हैं, वो कहते हैं मैं मनुष्य हूं, मगर आम मनुष्य से थोड़ी मेरी समझ अलग है। तो इसलिए भगवान बुद्ध पुरुष थे, मगर पुरुष होने के नाते अपनी प्रज्ञा के बल पर, अपने अनूठे ज्ञान के बल पर वो महापुरुष कहलाए। तो ये जो इनके 32 लक्षण हैं, महापुरुष लक्षण, बुद्ध के समय से पहले के शास्त्र में, समाज में एक धारणा व्याप्त थी कि जिसमें ये 32 महापुरुष लक्षण विद्यमान होते हैं वो व्यक्ति बड़ा महान होता है। अब कई लोग इस पर संदेह व्यक्त करते हैं। हम संदेह व्यक्त करने वालों के संबंध में कुछ कहेंगे नहीं, मगर ये जरूर बताएंगे कि इन महापुरुष लक्षणों का कोई और लाभ हो या ना हो, इसका कोई औचित्य हो या ना हो, मगर एक बात बिल्कुल एक मत से कही जा सकती है कि भगवान बुद्ध के बाद में 600 वर्ष पश्चात महाराजा कनिष्का के समय में जब बुद्ध की प्रतिमा बनाने की आवश्यकता महसूस हुई और बुद्ध की पहली प्रतिमा मथुरा में बनी, तो प्रतिमा बनाने के लिए जो कलाकार थे, मूर्तिकार थे, बड़े प्रतिभावान थे, और वो आम व्यक्ति नहीं थे, वो विद्वान भी होते थे, उन्होंने मध्यम निकाय, हम त्रिपिटक में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है मध्यम निकाय, इस निकाय में ब्रह्मायु सूक्त है, इस निकाय में ब्रह्मायु सूक्त है, दूसरे अध्याय का 5वां सूक्त है, उस सूक्त में 32 महापुरुष लक्षणों का प्रमाणिक वर्णन मिलता है। तो इस ग्रंथ के आधार पर महाराजा कनिष्का के समय के मूर्तिकारों ने इन महापुरुष लक्षणों का आधार लेकर बुद्ध की प्रतिमा बनाई। ये इस 32 महापुरुष लक्षणों का योगदान है, इनकी उपयोगिता है। सबसे पहला जो लक्षण है बुद्ध का, उसे पाली भाषा में कहते हैं सुप्रतिष्ठित पादो, यानी कि सुप्रतिष्ठित पाद। सुप्रतिष्ठित पाद किसे कहते हैं, कि ये जो व्यक्ति का पैर है, आगे 5 उंगली है, पीछे एड़ी है, इसके बीच में दूसरे पैर की तरफ, इसके इसकी तरफ और इस पैर का, इस पैर की तरफ एक खांचा सा बना रहता है, एक खांचा सा बना रहता है। बुद्ध के पैर में वो नहीं था, बुद्ध का पैर बिल्कुल फट्टे की तरह सपाट था, ये उनकी प्रतिमाओं में भी देखने को मिलता है। ये पहला लक्षण था। हम अपने बचपन से
इस संबंध में बुजुर्गों से सुनते आए हैं, जिस बच्चे का पैर ऐसा होता था जिसमें ये खांचा ना होता था या कम खांचा होता था, तो लोग उसको कहते थे बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो ये बात हम समाज जो बौद्ध धर्म को भूल चुका था, बुद्ध के परिचय से अनजान हो चुका था, जो समाज बुद्ध का परिचय नहीं रख सका था, मगर बुद्ध के संदेश, बुद्ध की विशेषताएं, बुद्ध का अनूठापन समाज में व्याप्त था। किस प्रकार से व्याप्त था? पहले जब ये प्लास्टिक के डब्बे कंटेनर नहीं होते थे या टीन के कनस्तर नहीं होते थे, तो बड़े बुजुर्ग लोग जो घी बनाते थे उसको एक हांडी में रखते थे। हांडी का मतलब क्या होता है? मिट्टी, पकी हुई मिट्टी का एक बर्तन, जिसे हंडिया भी कहते हैं, जिसे चाटी भी कहते हैं, और उसमें खाना भी पकता है। खाना पकाने वाली थोड़ी अलग किस्म की होती है, मगर उस हांडी का एक लक्षण यह है कि कोई एक हांडी में आप घी रखना आरंभ करो और कुछ समय के पश्चात आप उसमें घी मत रखो, साल, दो साल, दस साल तक घी मत रखो, मगर जब भी आप उस हांडी को सूंघेंगे उस हांडी में से घी की सुगंध आएगी, घी का परिचय प्राप्त होगा। वो बुद्ध के साथ, बौद्ध धर्म के साथ, बौद्ध मान्यताओं के साथ, बौद्ध अस्मिता के साथ बिल्कुल यही बात है। बुद्ध इस देश से समाप्त कर दिए गए, मगर समाज में व्याप्त संस्कारों में बुद्ध उस हांडी के घी की सुगंध की तरह मौजूद रहे। जनता उसका परिचय भूल गई, मगर उस घी की सुगंध का आनंद लेती रही। इसी प्रकार जो जनश्रुतियां हैं, लोकोक्तियां हैं, या ओरल हिस्ट्री है जिसे श्रुत ज्ञान या मौखिक इतिहास कहते हैं, उसमें ये सब चीजें व्याप्त है। दूसरा है चक अंकित पादो, चक्र अंकित, ये जो रेखाएं हैं हाथ में, पैर में भी ये रेखाएं हैं, तो कुछ रेखाओं का ऐसा समन्वय बनता है कि देखने में ऐसा लगता है कि ये चक्र बना हुआ है, ऐसा आभास होता है। बिल्कुल एग्जैक्ट चक्र नहीं होता, मगर चक्र जैसा वो लगता है। बुद्ध के पैर में ये चक्र विराजमान था। अब आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध की जब प्रतिमाएं बनती हैं, खासतौर से जो बुद्ध पाद यानी कि बुद्ध के जो चरण हैं, उनकी जो प्रतिमाएं आपको मिलती हैं, उसमें बहुत कुछ बनाते हैं। बहुत किस लिए बनाते हैं कि उन्होंने अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से, और महायानी तो बहुत ज्यादा तरीके से बनाते हैं, खाली दो पैर ही बनाते हैं और उस पैर में धर्म चक्र बनाते हैं, स्वास्तिक का निशान बनाते हैं, मछलियां बनाते हैं, इस तरीके के बहुत सारी चीजें बनाते हैं। और वो जो स्वास्तिक का निशान बनाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, क्लॉकवाइज भी होता है। ये गांधार से जो बुद्ध पाद मिले हैं, बुद्ध के चरणों की प्रतिमा मिली है, वो इस चीज को घोषित करती है। इस प्रकार से ये हुआ उनका दूसरा लक्षण। तीसरा विलक्षण है उनका आयत पाणही। आयत पाणही का मतलब है पांव की एड़िया सामान्य जन के मुकाबले लंबी और चौड़ी होती हैं। ये जो एड़ी है व्यक्ति की, ये पीछे से चौड़ी होती है और गोलाई जो एड़ी में होती है ना, उसका थोड़ा लोप होता है। तो एक तीसरा लक्षण ये था। चौथा लक्षण क्या है? दीर्घ अंगुल, यानी कि दीर्घ अंगुल, लंबी उंगलियां। ये जो हाथ की उंगलियां है ना, हम जब छोटे थे तो एक बात बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते थे कि जिस बालक की उंगलियां पतली और लंबी होती थी तो उसके बारे में ये कहते थे कि भाई या तो ये लेखक बनेगा या चित्रकार बनेगा या टाइपिस्ट बनेगा। वो जमाना था हमारे बचपन में और हमसे पहले कि टाइपिस्ट होना एक बहुत बड़ी कला मानी जाती थी, एक बहुत बड़ा गुण माना जाता था, क्योंकि ये तीनों काम, चाहे मूर्ति कला के हैं, चाहे लेखन के हैं, चाहे टंकण क्रिया है, टाइपिंग है, इसमें उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने देखा कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की जो
उंगलियां लंबी थी वो विलक्षण उनका एक अनूठा गुण था और महापुरुषों में वो पाया जाता है। इसके अलावा उनका जो एक गुण था विलक्षण महापुरुष लक्षण था वो था मुदुत लुनह तन्न पादो मृदु तरुण हस्तपाद। ये जो हस्तपाद है ना, हाथ और पांव रूखे और कड़े नहीं होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, मृदु होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, साफ सुथरे होते हैं और बहुत ज्यादा बलिष्ठ नहीं होते, बहुत ज्यादा कृशकाय नहीं होते। तो ये उनका एक लक्षण था। दूसरा है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है जाल हस्त पादो, जाल हस्त पाद। वो क्या है, हाथ और पाव की उंगलियों के बीच में जो थोड़ी सी दूर में ऐसी जाल नुमा त्वचा होती है जैसे कि हंस बत्तख के पंजों में होती है, उन उंगलियों के बीच कोई विवर नहीं होता। ये मैं आपकी सेवा में सारनाथ की म्यूजियम में ये मूर्ति रखी है जो सारनाथ की खुदाई में मिली थी। इस मूर्ति का नाम है धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा वाली प्रतिमा। इसके ये जो दो हाथ हैं उसका ये क्लोजअप है, दो उंगलियों के बीच में ये इन्होंने वो जाल दिखाया है। ये जाल क्या है, मेरे हाथ में ये जो खाल है, बुद्ध के हाथ में ये खाल बत्तख के पंजे की तरह यहां तक थी इस प्रकार से, और ये पैर की उंगलियों के बीच में भी था। और ऐसा नहीं है, हमने खुद अपने जीवन में कई ऐसे बालक देखे हैं कि जिनका ये हिस्सा पतला थोड़ा आगे तक होता है, मगर बुद्ध के समय में, बुद्ध के हाथ में ये हस्त पाद जाल पाद इस प्रकार से था। ये आपको प्रमाणिकता के लिए, आज भी आप जाएंगे सारनाथ म्यूजियम में, भगवान बुद्ध के दोनों हाथों को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस बात का प्रमाण मिल जाएगा, दो उंगलियों के बीच में उन्होंने इस चीज को दर्शाया है। अब हम आते हैं अगले, आजानु बाहु, यानी कि जिनकी बाहें इतनी लंबी होती थी कि भगवान बुद्ध जब खड़े होते थे, खड़े होने के बाद अपनी हथेलियों से अपने घुटने को थपथपा सकते थे। ये एक गुण ऐसा है, अभी भी कई लोगों में मिलता है, विद्वानी लोग, गुणी लोग जानते हैं कि अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, उनके बीच, उनके बॉडी में भी ये लक्षण था। वो खड़े होने के बाद वो पतली दुबली काया के धनी थे, लंबे थे, हाथ अनुपात से ज्यादा लंबे थे, और वो खड़े होने के बाद अपनी इस घुटने को थपथपा सकते थे। तो ये जो गुण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है अगला, उपसख पाद, पांव के टखने सामान्य जन के मुकाबले जरा ऊपर होते थे। ये जो टखने हैं ना, जो हड्डी होती है एड़ी के दोनों साइडों में ऊपर थोड़ा सा 2-3 इंची, इसका मुसलमान इस्लाम धर्म में भी बड़ा महत्व है। वो इनको ढकते नहीं है, पजामा या सलवार बनाते हैं ना, वो इसे ऊपर ही रखते हैं। तो भगवान बुद्ध का ये गुण था, ताकि ये रिवाज क्यों बना, भिक्कू तो लुंगी पहनते थे, भिक्कू लुंगी पहनते थे, और वो लुंगी थोड़ी ऊंची होती थी, कहीं पानी में कीचड़ में भीग ना जाए, इसलिए थोड़ा ऊंचा करके पहनते थे। मगर ये जो महायानी लोग थे, उन लोगों ने भी जो उनके यहाँ सलवार का पहनावा बना, तो उन्होंने एक संस्कार रखा अपना कि ये हमारे घुटने दिखने चाहिए। अब उनके जो घुटने के नीचे टखने हैं वो तो बुद्ध जैसे ऊंचे नहीं है, मगर एक रिवाज बन गया, बुद्ध के टखने दिखने चाहिए, ऐसी उनकी मुद्रा बनती थी, इसलिए आओ हम भी अपने टखनों को नंगा रखते हैं। अब इसके बाद में है एड़ जंगो, एड़ी जो उनकी ये पिंडली है, हिरन के पैर की तरह, उसकी जांग की तरह बहुत सदी हुई पतली होती थी। ये भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों में से एक लक्षण है। अगला है जो, वो है कोशोहित वत्थ गुयो, कोच्छादित वास्ती गुआ। वो क्या है कि जो उनका पुरुषेंद्रिय थी, पुरुषेंद्रिय
जो व्यक्ति का, जिसे हम जननेंद्री भी कहते हैं, पुष्पेंद्री भी कहते हैं, गुप्तांग भी कहते हैं, वो हमेशा सुकड़ा रहता था और बदन के अंदर ही रहता था, वो बाहर दिखाई नहीं देता था। और इस विषय में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, मगर इसका पाली साहित्य में कई जगह वर्णन आया है। अब आपको अब 11वें पड़ाव आते हैं, 11वां है सुवर्ण वर्णो, सुवर्ण वर्ण, सारा शरीर बुद्ध का, सारा त्रिपिटक साहित्य उनकी शारीरिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। उनका जो शरीर था और उनकी जो त्वचा थी वो सोने की तरह दमकती थी, सोने की तरह चमकती थी, उनका चेहरा हमेशा सूरज की तरह दमकता था। ये बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों में एक 11वां लक्षण था। एक 12वां लक्षण है सूक्ष्म छवि, सूक्ष्म छवि, शरीर की जो चमड़ी है, एक सूक्ष्म त्वचा पड़ी होती है जिस पर धूल आदि नहीं चिपट पाती। कई त्वचाएं ऐसी होती हैं जो पद्मिनी नारी होती हैं, जो नारियों का विधान किया गया है, जो पद्मिनी स्त्री होती है उसमें भी ये गुण होता है कि उसके शरीर की त्वचा की निर्मिति इस प्रकार की होती है कि धूल धप्पड़ उस पर टिक नहीं पाता, वो टिक नहीं पाता। ये भी बुद्ध का एक लक्षण था। इससे अच्छा जो अगला जो लक्षण है, एक एक लोमो, ये व्यक्ति के 13वां लक्षण, व्यक्ति के शरीर में छिद्र भरे पड़े हैं, सारे शरीर में जो पसीना आता है ना वो उन छिद्रों से आता है, मगर इस छिद्र की एक विशेषता है कि इस छिद्र में, हर छिद्र में एक बाल होता है। लोमो का मतलब बाल, और एक जो विकृत शरीर होते हैं, परफेक्ट जो शरीर नहीं होते, उसमें क्या होता है, एक छिद्र में कई बाल निकल आते हैं, 2 या 3 निकल आते हैं। मगर बुद्ध के शरीर की ये विलक्षणता थी कि उनके प्रत्येक छिद्र में एक एक ही बाल था, ये उनका अनूठापन माना गया। उसके अलावा उद्धक गलोमो, सभी लोम नीले अंजन वर्णी होते हैं तथा बाएं से दाहिनी ओर कुंडलित होकर उसको सिरे की ओर स्थित होते हैं। वाह, ये जो 14वां लक्षण है, ये जो हमारी भौं है ना, बड़ा लंबा विषय है ये, मगर मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। ये इनको जो रोम का है ना, ब्लू वर्णी, वो कभी कभी जो पतले जो बाल यहाँ आकर होते हैं ना, वो कभी कभी नीले जैसी झलक देते हैं, कभी कभी ब्राउन जैसी झलक देते हैं, तो ये दोनों यहाँ आकर के मिले हुए थे और मिलने के बाद में ये घूमे हुए थे। तो इसके बारे में ये कहा है। 15 है ब्रव जुगतो, उनका जो शरीर था लंबा था, अकुटिल था, यानी कि बिल्कुल सीधा था, कुटिल कहते हैं टेढ़े को, है ना, टेढ़ा नहीं था, बिल्कुल सीधा सदा हुआ। आप मथुरा में भगवान बुद्ध की 3 प्रतिमाएं जो हमको एक ही मकान की खुदाई के समय में मिली थी, और उनमें से एक प्रतिमा आज भी हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रपति भवन में, जो उनका अशोका हाल है, वहां पर स्थित है। उसी प्रतिमा के सामने खड़े होकर सब जो शपथ ग्रहण की जाती है, बड़ी बड़ी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है, तो उसमें आप शरीर देखेंगे बिल्कुल सदा हुआ, बिल्कुल सीधा। उसके बाद में 16वां आता है सत्तुसप्तो, यानी के दोनों हाथ दोनों पांव सामने की ओर सीधे, धड़ और चेहरे सहित मस्तिष्क शरीर, ये 7 अंग विशाल और पूर्ण आकार वाले होते हैं, इनमें कहीं अधूरापन नहीं होता, सब पूर्णता लिए होते हैं। ये भगवान बुद्ध के महापुरुष लक्षणों में से एक लक्षण है। 17वां लक्षण है सिंहपुबद्ध कायो, सिंह पूर्वार्ध काय, छाती सहित काया, ऊपरी भाग, ये काया का ऊपरी भाग कैसा, शेर की छाती जैसा, उनके छाती की बनावट शेर की छाती जैसी होती है। एक होता है
चितंतरसो, और ये क्या होता है, ये दोनों कंधों के बीच का भाग पूरा, ये जो भाग है ना, ये जो भाग है 18वां जो गुण है वो ऐसा नहीं होता, लुढ़कवा नहीं होता, सीधा होता है बिल्कुल, जैसा मथुरा की खड़ी प्रतिभा में, राष्ट्रपति भवन की प्रतिभा में होता है, ये महापुरुष लक्षण में आता है। अब 19वां है निग्रोध परिमंडलो। अब निग्रोध परिमंडल पर तो बड़े बड़े ग्रंथ महायानियों ने लिखे हुए हैं, वो क्या है कि जैसे निग्रोध, निग्रोध किसको कहते हैं, बड़का वृक्ष है ना, उसको कहते हैं निग्रोध वृक्ष, जिसकी ऊंचाई से बढ़ता है उतना ही चौड़ाई में फैलता है, वैसे ही खड़े होकर दोनों हाथ बाजू में फैला देने के बाद जो व्योम की चौड़ाई होती है वो वही होती है जो सिर से लेके पांव तक की होती है। ये एक इतना अच्छा लक्षण है बुद्ध के जीवन का, जिसने महायानियों को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया है, कला के क्षेत्र में बहुत स्केच उन्होंने बनाए हैं। हमारे पास समय कम है इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे। 20वां लक्षण है समवट्ठ कंधो, समवर्त स्कंद, दोनों कंधे समान और गोलाकार होते हैं। एक आपको पता होगा कि कई लोगों के कंधे बराबर नहीं होते, जब वो कपड़े सिलाने जाते हैं ना तब पता चलता है, तो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के दोनों कंधे बराबर थे, आकार दोनों तरफ से बराबर था। और 21वां है रसग सग्गी, वो क्या है, अत्यंत कोमल बाल, जो भगवान बुद्ध के बाल थे ना केवल शरीर के अपितु सर के भी, बहुत कोमल थे, बहुत कोमल थे और देखने में बड़े अच्छे लगते थे। 22वां है सिंहनु, बड़ा अच्छा नाम, सिंह यानी कि शेर, पाली में उसको कहते हैं सिंही। बुद्ध दुनिया के ऐसे पहले महापुरुष हैं जिन्हें, जिनकी तुलना सिंह से की गई, उनको नरसिंह भी कहते हैं, उनको शाक्य सिंह भी कहते हैं। उनका एक गुण था सिंहनु, हनु किसको कहते हैं, ये ठोड़ी शेर की तरह थी, तो ये शेर की तरह ठोड़ी किसकी होती है, फिल्म एक्टर अशोक कुमार जो अब नहीं है, जिन्हों जो जानते हैं उनका चेहरा याद करो, उनका चेहरा सिंहनु जैसा था। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का आप चेहरा देखेंगे, खासतौर से वो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने पोस्टर में छापा था, उसमें जो बाबा साहब के ठोड़ी की आकृति है वो सिंहनु जैसी है। 23वां है 44 दंतो, उनका क्या था, भगवान बुद्ध के दांत 44 थे, हर एक आदमी के 32 दांत होते हैं, किसी किसी के 30 होते हैं, 31 दांत भी हमारे संज्ञान में है, मगर बुद्ध के दांत 44 थे, ये बड़ी विलक्षण बात है। उसके बाद में क्या है, समदंतो, समदंतो किसको कहते हैं, हमारे यहां कई लोग होते हैं जिनके दांत बड़े होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनको दांतो कहते हैं, मगर भगवान बुद्ध का जो ये 24वां लक्षण है वो समदंत, यानी कि सब बिल्कुल सिस्टमेटिक हैं, आगे पीछे नहीं है, नीचे ऊपर नहीं है, बड़े देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। और उससे अगला है अविरल दंतो, अविरल दंत क्या होता है, दोनों दांतों के बीच में ये जो छेद होते हैं ना, लाइनें होती हैं, कोई विवरण नहीं था, कोई छेद नहीं था, सब दांत एक दूसरे से भली प्रकार सटे हुए थे। ये रहा 25वां। अब आप, हम आते हैं 26वें लक्षण पर, सुशुक ताड़ो, सुशुल्क डाड़ो का मतलब है कि सुश्वेत, सुशुक शुक्ल कहते हैं सफेद को, बिल्कुल सफेद दांत थे। और दांतों की बनावट आपने अभी बहुत सारे लोगों का देखा होगा कि वो 80 साल के हो गए मगर दांत बिल्कुल साफ हैं, बीच में कोई उसमें मैल भी नहीं है, पहाड़िया भी नहीं लगा हुआ है, तो बुद्ध के समय में बुद्ध को भी ऐसे दांत थे। अगला है 27वां पौत जीव हो, बहुत लंबी जीव,
उनकी जीभ लंबी थी। अभी भी हम देखते हैं कभी कभी फेसबुक में कई लोग लंबी जीभ वालों को दिखाते हैं कौतूहल पैदा करने के लिए, ऐसा होता है। भगवान बुद्ध की जीभ की विशेषता क्या थी? त्रिपिटक में ही वर्णन आता है कि जब वो अपनी जीवा पूरी जीवा दिखाते थे तो माथे से वो टच हो जाती थी, यहाँ पर इस जगह, यहाँ नहीं, माथे का मतलब यहाँ, यहाँ तक टच हो जाती थी, ऐसी उनकी जबान थी। इसके अलावा ब्रह्म सरो 28वां जो सुत्त है, ब्रह्म स्वर उनकी जो आवाज थी, उनकी जो आवाज थी, ब्रह्म का मतलब ब्राह्मण मत समझ लेना, ब्रह्म का मतलब यहाँ श्रेष्ठ स्वर था, कलरियु पक्षी की तरह, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि बहुत बादल गर्ज एक पर जो जिस पक्षी की आवाज बादल गर्जने जैसी होती है बिल्कुल वैसी थी। इसके अलावा है 29वां अभिनील नेत्रो, जो नेत्र थे वो अलसी के फूल जैसी नीली आंखें थी उनकी। नीली आंखें का क्या मतलब है? ये जो बीज में जो पुतली है ना, ये किसी की ब्राउन होती है, किसी की काली होती है, किसी की ज़्यादा काली होती है। हमारी पोती है शालिनी, जब वो हुई तो उसकी जो आँख की पुतली थी ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लैक थी, बड़ी अच्छी लगती थी। मगर समय के साथ साथ अब वो भी हम जैसे सब जैसी उसकी हो गई है, तो भगवान बुद्ध की जो बीच की पुतली थी वो ब्राउन अपना ब्लू कलर की थी। अब 30वां है गोप मुखो, गाय जैसी बुरनिया वाली पलकों। ये आपने देखा ना गाय की जो पलक है आँख की कैसी अच्छी लगती है, तो ये जो पलक थी ऊपर की भगवान बुद्ध की, ये बहुत ही बिल्कुल गाय की पलक की तरह बड़ी रमणीक, बड़ी सुंदर। हिरण की आंखें भी ऐसी कही जाती हैं। इसके अलावा है श्वेत ऊरणा, ओदात उन्ना, दोनों भोहों के बीच में कोमल श्वेत कपास किसी वर्तानुकूल रोमावली, जो अभी इसको हम विस्तार से बताएंगे कि लोग जो ये तिलक लगाते हैं ना, बिंदी लगाते हैं भगवान बुद्ध के माथे पर, वो तिलक नहीं था, वो बिंदी नहीं थी, मगर मूर्तिकारों ने 31वां जो लक्षण उनका पढ़ा उसके अनुसार उन्होंने, अब ये बहुत पतली पतली भौं को तो आप पत्थर में तो नहीं बना सकते ना, पेंटिंग में बना सकते हैं, मगर वो पेंटिंग की बात नहीं हो रही है, मूर्ति की बात हो रही है। तो मूर्ति का एक लक्षण यह है कि या तो आप वहां से पत्थर को खाली करो यानी कि गड्ढा करो, या पत्थर को उभरा हुआ छोड़ो। तो लोगों ने अपनी सुविधा के लिए उस पत्थर का तिलक बनाते वक्त, यहाँ पर वो बुरोनी का गोल चक्र था जो दोनों मिलने के बाद घूम रहा था, तो उसको इस रूप में बनाया। और जब पेंटिंग का जमाना आया तो लोगों ने उसको एक अपरिहार्य अंग मानकर, जरूरी हिस्सा मान करके उसको तिलक का रूप दे दिया। तो ये जो एक गुण है 31वां बड़ा महत्वपूर्ण है। उष्णीशो शीर्ष, सबसे अंतिम 32वां लक्षण उपशीर्ष कहते हैं इसको। एक तो शीर्ष हो गया ये, और एक उपशीर्ष हो गया ये, ऊपर थोड़ा उभरा हुआ है ना, तो इसमें कई जगह तो बहुत बड़ा बड़ा बना देते हैं, बड़ा बहुत मामूली उठा हुआ था। कई जगह आपने देखा होगा कई लोगों को मांस उठा हुआ होता, किसी को यहां किसी को यहां, अक्सर आपने देखा होगा। मगर भगवान बुद्ध के बिल्कुल सेंटर में, सिर के सेंटर में एक थोड़ा उठा हुआ मांस का पिंड था, उसको उपशीर्ष कहते हैं, छोटा सिर कहते हैं। मैंने खुद अपने आँखों से, मैंने, मेरे पास फोटो भी हैं जिन लोगों के पास उपशीर्ष हैं, किसी का यहाँ है किसी का यहाँ है, मगर भगवान बुद्ध का यहाँ था। और इसके बाद में भगवान बुद्ध के जो ये सुषुम्ना है जिसको केंद्र बोलते हैं सारी नाड़ियों का, उसके ऊपर वो था। तो लोगों ने क्या समझा जो प्रतिक्रांतिवादी थे कि भगवान बुद्ध में जो इतनी प्रज्ञा थी, इतनी समझ थी, इतनी विद्वता थी, इतनी महानता थी, वो इसी के कारण थी, क्योंकि उनका ये सुषुम्ना जोन जो एक सोच का और समझ का भंडार होता है वो उस उपशीर्ष से ढका हुआ था, इसलिए उनकी प्रज्ञा उनकी बोधि इतनी विकसित हुई। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक नकली बोधि बनानी आरंभ कर दी, उसको बोधि कहते हैं। वो क्या है? बालों की चोटी। फिर उसमें जातिवादी लोगों ने उसका आविष्कार किया था,
इसलिए उसको जाति के आधार पर बांट दिया। ब्राह्मण होगा तो उसकी इतनी बड़ी, क्षत्रिय होगा तो उसकी इतनी बड़ी, और जो शूद्र होगा ना उसकी चूहे की दुम जैसी। तो ये जो 32 महापुरुष लक्षण है, उपशीर्ष को आप समझे हम किस तरीके से ये भगवान बुद्ध का हम एक रफ स्केच बना रहे हैं। इसको बहुत इसमें ये हमने ये बात दिखाने के लिए कि भगवान बुद्ध के कान आम आदमी के कान से लंबे थे। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं पाली भाषा के, बौद्ध इतिहास के, नालंदा के डायरेक्टर, जिनका नाम था उपास चंद्रिका प्रसाद उपासक, सीएस डॉक्टर प्रोफेसर सीएस उपासक। हम उनके गांव गए बनारस चिरई, और जब उनसे मिले थे उनको नेत्र दोष हो चुका था, वो अंधे हो चुके थे। हम गए थे वहाँ धर्म रक्षित जी की कुछ किताबें उनके पास मिल जाएं, मगर वो तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे भाई यागवर लक्क वो उनकी किताबें छापते थे, आप उनसे मिल लो। उनसे मिले तो वो हो सकता है शायद अभी जीवित हों। तो उनके कान असामान्य रूप से इतने बड़े थे कि हमें तुरंत भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों की याद आ गई। तो ये जो जितने महापुरुष लक्षण हैं व्यक्ति में होते हैं हर एक, अब महाकाश्यप को कहते हैं कि उनके शरीर में 8 महापुरुष लक्षण थे। तो आज हमने जाना कि भगवान बुद्ध का जो ये बाल थे, ये यहाँ से घूमकर जब यहाँ आते थे तो ये बालों की आकृति मूर्ति में बनाए, तो इसको थोड़ा उभार के बनाया, चित्रकारों ने इसका कुछ और बना दिया। मगर एक बात और है इन्हीं लक्षणों में कि जो बाल उनके घुंघरालूदार थे ना, वो उनके भी दो प्रकार होते हैं घुंघरालूदार बालों के। एक तो घुंघरालूदार बाल होते हैं ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ इसको समझने के लिए समझ लो, ये एक बाल का स्प्रिंग है, इसका कोना पकड़ के जब हम यहां खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा, और छोड़ देंगे तो वहीं चला जाएगा घूम के। तो एक तो वो भी घुंघरालूदार बाल होता है, जैसे अफ्रीकन्स के होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, मगर एक घुंघरालूदार बाल वो इस तरीके के भी होते हैं, जो लट है पूरी वो घुंघरालूदार होती है और इसमें दिखती है, वो इस तरीके से हम उनको बनाते हैं है ना, ऐसे ऐसे। तो ये बुद्ध को बना देते हैं हम इस तरीके से। तो ये सारी बातें खाली जिस भी हमारे बंधु को कान के बारे में, बड़ा होने के बारे में जिज्ञासा थी, हमने लगे हाथों आपको 32 महापुरुष लक्षण के पूरे जितने भी वर्णन हैं वो सब हमने आपको बता दिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रवचन के माध्यम से कुछ अवश्य ही ज्ञान लाभ करेंगे, और अन्य जनता को, अन्य सुधी श्रोताओं को जो धर्म के बारे में अधिक अधिक जानने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं, अधीर रहते हैं, उनका भी ज्ञान प्रकाश करेंगे। मैं अपना प्रवचन समाप्त करने से पहले सम्यक इंडिया टीवी की पूरी टीम को, खास तौर से हमारे हेमंत बौद्ध जी को अपना धन्यवाद देता हूं और फुल आशीष देता हूं कि वो इसी प्रकार से ज्ञान प्रकाश के कार्य के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और अब समाज और धर्म के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करते रहेंगे। आप सबको मेरा नमो बुद्धस्। धन्यवाद साथियों,
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, ज्ञानवर्धक लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धस्य।